दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ चुकी है सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए। अगर दोस्तों आपके पास भी स्मार्ट कार्ड है तब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2019 में सरकार ने स्मार्ट कार्ड वालों के लिए फ्री इलाज देने का मौका दिया है। तो अगर आपके पास भी स्मार्ट कार्ड है तब आपका फ्री इलाज होगा, अगर आपको फ्री इलाज नहीं होगा तब आपको 1,60,000 रुपये मिलेंगे सीधे आपके बैंक खाते में। तो ये कैसे मिलेंगे और कैसे आपको इस योजना का लाभ लेना है आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक हो, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आपको बताएंगे कैसे आपको इस योजना का लाभ लेना है। सबसे पहले आप कमेंट में बता दीजिए कि आपने अभी तक स्मार्ट कार्ड बनवाया है या नहीं, तो आप हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए आपको दिखाएंगे और कैसे आपको। दोस्तों इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है इसको आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा नन्ना सा जो बैल का आइकन आपको दिखे, घंटे का निशान, इसे भी आप टच कर दें ताकि आप ऐसे ही नई नई वीडियो देख सको सबसे पहले, हो इस वीडियो को लाइक। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखा देख रहे हो कि अब स्मार्ट कार्ड से मिलेगा, मिल सकता है 1.5 लाख से ज़्यादा का इलाज फ्री। तो 1.5 लाख से ज़्यादा का इलाज आपको फ्री मिल जाएगा अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तब। और यहाँ पे लिखा है 30,000 रुपये सालाना पैकेट वाले स्मार्ट कार्ड से अब अप्रैल से 50,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये बढ़कर 1,60,000 या 1,00,000 रुपये तक भी हो सकता है। केंद्र सरकार अप्रैल में नए पैकेट की घोषणा करेगी। इससे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 3 विकल्प वाला प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने प्रोजेक्ट भी दिया गया है। अब अंतिम मुहरा सरकार लगाएगी। हालांकि राज्य सरकार पहले ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना MBSY का सालाना पैकेट 30,000 से बढ़ाकर अप्रैल से 50,000 रुपये करने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे बढ़ाकर सरकार पर अंतिम भार। स्मार्ट कार्ड का सालाना पैकेट रेट जितना अधिक होगा PM की राशि उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी स्मार्ट कार्ड 30,000 रुपये का है। सरकार का प्रति परिवार बीमा कंपनी को 363 रुपये सालाना प्रीमियम देना पड़ता है। जब यह राशि 50,000 रुपये होगी तो प्रीमियम 60,600 रुपये से अधिक राशि 1,00,000 होने पर 700 से 800 और 1,60,000 होने पर प्रीमियम 1,100-1,200 रुपये पहुंच जाएंगे। सरकार पर अंतिम भार 270 करोड़ रुपए तक पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्र ने घटाई भारी दर। RBI के लॉन्च होने के बाद 2012 में सरकार ने SBI लॉन्च की भी, तब केंद्र और राज्य की भागीदारी 75-25% की थी। 2014 में केंद्र सरकार ने इस भागीदारी को 60-40% कर दी। इसमें राज्य सरकार का 15% अंतिम भाव पड़ना शुरू हो चुका है। ये विकल्प जिन पर CM को भेजा प्राप्त, पहला पैकेट 1,60,000 रुपये, तो ये पहला पैकेट भेजा था वो 1,60,000 रुपये था। अंतिम भाव 250 से 270 करोड़ रुपये, तो 250 से 270 रुपये करोड़ थे। इसके अंतिम पूरे परिवार को योजना में रखा जाएगा। पति पत्नी और बच्चे को 1,00,000 रुपये का सालाना पैकेट मिलेगा, जबकि बुजुर्ग माता पिता को 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये इलाज में खत्म होने पर 1,00,000 का लाभ लिया जा सकता है। तो 1,00,000 रुपये का लाभ लिया जा सकता है। दूसरा पैकेट 1,00,000 रुपये अंतिम 200 करोड़ रुपये के कभी पूरे परिवार पानी माता पिता पति और बच्चों को इनमें कवर किया जाएगा। बड़ी बीमारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा पैकेट 50,000 अंतिम भाव 100 करोड़। राज्य सरकार ने
अप की चुनाव घोषणा पर इनकी घोषणा की है कि तैयारी भी चल रही है। प्रधानमंत्री इसे अप्रैल से लागू करने वाले हैं। तो अब जो है प्रधानमंत्री इसी अप्रैल से लागू करने वाले हैं और इसकी घोषणा चल रही है। अब तक अगर आपने अभी तक स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया तो बनवाइए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।